अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सबके सब जो है बिल्कुल खैरियत से होंगे। और जैसे कि आप लोगों को बैकग्राउंड में नज़र आ रहा है कि सर कासिम अली शाह मेरे पीछे बैठे हैं और ये मेरी टीचर भी हैं और मेरे बड़े भाई भी हैं और काफ़ी यानी कि काफ़ी कुछ सीखा है इनसे और स्टिल भी सीख रहा हूँ। और अभी यानी कि यूट्यूब के चैनल के ऊपर अभी तक मैंने कोई यानी फेस रिवील नहीं किया और ऐसी कोई वीडियो नहीं बनाई कि आप लोग मुझे देख पाते। तो आज लकीली कल मैंने कैमरा खरीदा था और आज मैं सर के पास हूँ, तो मैंने सोचा इस कैमरे से भी पहली वीडियो सर के साथ बना लेता हूँ। बिकॉज जब मैंने चैनल बनाया था अपना यूट्यूब का आज से 1 साल पहले, तो पहली वीडियो जो मैंने रिकॉर्ड की थी व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन, तो वो सीधा व्हाट्सएप पे सर कासिम अली शाह को सेंड की थी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश थी कि मेरी पहली वीडियो सर कासिम देखे। और आज लकीली के जब ये कैमरा खरीदा तो आज जो पहली वीडियो मेरे फेस के साथ बन रही है वो भी मेरे टीचर और यानी सर कासिम अली शाह के साथ बन रही है। तो काफ़ी यानी कन्फ्यूजन भी फील हो रही है और थोड़ा सा अजीब भी लग रहा है, बिकॉज ये मेरी लाइफ की यानी दो दो रीज़न्स हैं कन्फ्यूज़ होने के। एक तो ये कि ये वीडियो बनाने का पहला एक्सपीरियंस है और दूसरी ये कि सर कासिम के सामने मैं थोड़ा सा नर्वस हो जाता हूँ, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ और क्या नहीं बोलूँ। और दिल के अंदर ये बात होती है कि कुछ ऐसी बात ना निकल जाए कि जो मुझे नहीं बोलनी चाहिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने की और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अच्छे तरीके से सर कासिम के साथ बात करेंगे। तो बस ये छोटी सी एक वीडियो थी, इनके रूम के अंदर मैं बैठा हूँ। तो अभी सर से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कोई छोटा सा मैसेज, मेरे 16,000 सब्सक्राइबर्स हैं सर, तो उसमें 9th-10th के बच्चे ही हैं सारे और सारे पंजाब के हैं। तो आप यानी मेरे स्टूडेंट्स को, यानी आप मुझे तो रिकमेंड करते ही रहते हैं पर्सनली, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे कि वो आपकी इस वीडियो को देखें तो उनको भी फायदा हो। वकास, बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबका बड़ा शुक्रिया। आप सब इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, वकास को इकट्ठे देख रहे हैं। मेरी कामयाबी की कहानी में बेशुमार दोस्तों का साथ है। अल्लाह ताला ने बाज़ औक़ात इतना खूबसूरत विन विन बनाया होता है कि आप दूसरों के लिए खैर करते हैं और आपके साथ टीम जुड़ती है, वो आपकी खैर सोचने लग पड़ती है। यानी अल्लाह अपनी मोहब्बत का इजहार भी लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल के करता है, ये रब का एक ऐसा निज़ाम है। तो वकास से मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है, मेरा बड़ा प्यारा, जैसे उसने बताया, मेरा शागिर्द भी और मेरा छोटा भाई भी है। वकास में ये खूबी मैंने बड़ी कमाल की देखी है, वो है मेहनत। और मेहनत, इतनी मेहनत, डिटर्मिनेशन, स्ट्रगल, लगे रहना, डटे रहना, कोशिश करते रहना मैंने वकास में देखा है। और आप भी मेहनत कीजिए, ये जो मेहनत होती है ज़ाया नहीं जाती, अल्लाह आपकी मेहनत को किसी ना किसी शक्ल में उसका सिला ज़रूर देता है। और आप जब भी मेहनत करते हैं उसका रिवार्ड आपको मुमकिन है आप जैसा सोच रहे हैं उस शक्ल में ना आए, किसी और शक्ल में अल्लाह ताला आपको रिवार्ड दे दे। और नेचर आपको तैयार करती है, किसी जगह आप तैयार होते हैं और किसी जगह परफॉर्म करते हैं। तो डटे रहें, लगे रहें, मेहनत करें, अल्लाह आपको कामयाबी देगा। बहुत शुक्रिया। चलो सर, बहुत शुक्रिया आपने मैसेज किया। तो बस इसके बाद अब मैं सर से बात करता हूँ और फिर इंशाल्लाह आप लोगों से घर जाके बात करेंगे, ठीक है। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।